और अभी तक एस्केप आइलैंड का किसी ने एडवेंचर करते हुए एक्टिविटी का वीडियो नहीं डाला था, सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो हम गोना अपलोड जो कि एक्टिविटी करते हुए होगी। भाई एकदम जबरदस्त, सही है यार, कैसा रहा? सही है, मजा आ गया। मजा आ गया भाई सर। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। सो आई होप आप लोग सब इंजॉय कर रहे होगे और नया साल मना रहे होगे। सो दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग फ्रॉम 2021 और आई एम सो सॉरी कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा था। देर वॉज कपल ऑफ रीजन्स विच आई डोंट वॉन्ट टू शेयर। इट्स जस्ट कि 2021 काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है एंड काफ़ी अच्छे से, मतलब काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ आने वाली हैं। तो अभी मैं हूँ जेपी सेतु पे। जेपी सेतु इज़ वन ऑफ द ब्रिज विच वॉज रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड। ये बना था आई थिंक 3-4 साल पहले इसकी इनॉग्रेशन हुई थी। सो गाइज, मैं अभी जेपी सेतु पे ऑलरेडी क्रॉस करने वाला हूँ। अभी मैं चढ़ गया हूँ और आज हमारा प्लान है एस्केप आइलैंड। नेम इज़ आइलैंड बट एक्चुअली आइलैंड है नहीं। ये है आपका एडवेंचर पार्क जो कि मैंने सोचा यार अभी नया नया खुला है एंड काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ उनके पास है। आई एम नॉट श्योर कितना एक्टिविटीज़ आज ओपन होंगी लेकिन स्टिल इट्स अ गुड थिंग। अभी मैं जेपी सेतु पर आ गया हूँ, अब देख ही लो। सो मैं अकेले नहीं जा रहा, मेरे साथ 2-3-4 लोग और हैं जो आगे अभी गए हुए हैं एंड मैं थोड़ा सा पीछे हूँ। सो ये जेपी सेतु का जो डिस्टेंस है, मैं लंबाई है आपको लेंथ बोलूँगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर का है एंड आई राइट नाउ गंगा नदी के ऊपर से मैं एक्चुअली चल रहा हूँ, ठीक है। राइट साइड में आपका ये इधर गांधी सेतु है एंड ये आपका छपरा, सोनपुर, आपका हाजीपुर इधर राइट में है। लेफ्ट में आपका छपरा है, सामने सोनपुर है। सो ये कंप्लीट कनेक्ट करता है दोनों सिटीज़ को एंड आने वाले टाइम में ग्रेटर पटना को कनेक्ट करेगा ये जेपी सेतु। बेस्ट थिंग ये है कि इसमें हेवी व्हीकल्स अलाउड नहीं है, सो ओनली यू नो प्राइवेट व्हीकल्स, नो कमर्शियल व्हीकल्स। तो ये हमारे अतुल भाई हैं और आगे लोग और भी अभी ऐड हो रहे हैं। तो इसके बाद आपका ग्रेटर पटना का इन्होंने प्लान किया हुआ है। ग्रेटर पटना नॉट ओनली दिस साइड बट पीछे बीएटा साइड में भी आपका ग्रेटर पटना बन रहा है। आगे 10 साल में पटना विल बी वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटीज़ आई वुड से। अभी ये इसका सबसे ज़्यादा गंदे जगहों में नाम आता है बट एनीवेज कोई बात नहीं भाई, ये घर अपना अपना होता है हमेशा ना, चाहे कितना भी गंदा हो आप हमेशा उसको चाहोगे अपने दिल से। फॉग है यार आज कम्प्लीटली, पता नहीं एडवेंचर में मतलब हॉट एयर बैलून का प्लान था बट आई एम नॉट श्योर दैट इज़ गोइंग टू हैपन और नॉट टूडे। तो हम लोग अभी जेपी सेतु क्रॉस कर गए ऑलरेडी, कम्प्लीटली 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसका एंड इट कनेक्ट्स साउथ एंड नॉर्थ बिहार। सो गाइस अभी ये वाला ब्रिज हम लोग नीचे उतर गए, ठीक है। यहाँ से सीधे आपका राइट टर्न हो करके घुमा के जाना है क्योंकि बीच में आपका टर्न नहीं है। सो अभी ये रोड कच्चा, थोड़ा कच्चा पक्का रोड है, अभी बन रहा है, अभी वो भी पार्क बन ही रहा है। इट्स नॉट दैट कम्प्लीटली आपको इंफ्रा उसका उतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी वी विल हैव फन फॉर श्योर। अगर आप कार से आना चाहते हो भी तो भी आ सकते हो क्योंकि यहाँ देखो आप कार ऑलरेडी लगी पड़ी है एंड कार के लिए भी मतलब रोड है ही, ऐसा नहीं है कि आपको तो बरसात के दिनों में थोड़ी दिक्कत होने वाली है। तो बरसात तक अगर इन्होंने रोड बना दिया अच्छा सा तो इट विल बी रियली फन। बाकी आप ऑटो वगैरह भी चाहो तो रिजर्व करके आ सकते हो, ऑटो वाले आ जाएंगे यहाँ पे क्योंकि ऑटो तो जेपी सेतु से आ ही सकते हैं। बाइक देखो यार कितना मस्त एडवेंचर हो रहा है यहाँ पे। सो गाइस अभी हम लोग पहुँच गए एस्केप आइलैंड पे, अभी टिकट वगैरह ले लिया ऑलरेडी। सो आपको दिखाता हूँ मैं टिकट का क्या सीन है। एक प्रॉब्लम ये होगी कि ड्रोन इज़ नॉट अलाउड एट ऑल हियर, सो इफ़ यू आर कमिंग विद ड्रोन डोंट कम विथ ड्रोन बिकॉज ड्रोन को एक्चुअली अलाउ नहीं करेंगे। वैसे आपको मैं बताता हूँ जुगाड़ क्या है, ड्रोन कैसे उड़ाना है आपको यहाँ पे। सो दिस इज द एंट्रेंस,
And this is where you actually you can buy tickets. So you have got 1100 tickets and 600, and you can also buy a hot air balloon. सर ऐसे मत कराइए सर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, ऐसे मत फैमिली पैकेज हाँ पूछ लीजिएगा बाहर में। सो दिस इज द एंट्रेंस गाइज। सो आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे ड्रोन बेसिकली ड्रोन तो अलाउड नहीं करा था, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ और भी चीज़ें बताता हूँ। सो यहाँ पे तीन तरह के टिकट्स हैं। एक तो आपका एंट्री पास है, जस्ट यू हैव टू टेक द एंट्री पास ऑफ 300 रुपीज़, एंड आप उसके बाद आप लाइक यू नो एक्सप्लोर कर सकते हो प्लेस को। नथिंग मच या ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बहुत ही आर्टिफिशियल पॉन्ड काइंड बना रखा है, आपको भी लेकर चलेंगे यहाँ पे भी। अगर मैं टिकट की बात करूं तो तीन तरह के टिकट्स हैं। एक एंट्री पास है, दूसरा है 600 रुपीज़ का, जिसमें आपको 8 एक्टिविटीज़ देंगे, 8 एक्टिविटीज़ का आपने आपको मैंने दिखाई दिया, और तीसरा है 1100 रुपीज़ का, जो कि आपको इसमें 12 एक्टिविटी देंगे। सो 12 एक्टिविटी आप कर सकते हो टोटल, इंक्लूडिंग किड्स जोन ऑल्सो। उसके साथ साथ आपका हॉट एयर बलून का अलग से चार्जेज है 999 का। हॉट एयर बलून के लिए इट ऑल कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द वेदर कंडीशन। सो अगर वेदर कंडीशन काफ़ी अच्छी रही तभी जाकर के हॉट एयर बलून लेके जाएंगे। सो दैट्स रीजन उन्होंने 3:30 बजे का टाइमिंग दिया है कि 3:30 बजे के बाद हम लोग आपको बताएंगे वेदर हॉट एयर बलून उड़ा सकते हैं या नहीं उड़ा सकते हैं। सो गाइज, अभी प्रॉब्लम ये हो रही है हमारे साथ कि हम इधर से उधर भटक रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बेल्ट नहीं है, और हार्नेस बेल्ट एक्चुअली इंपॉर्टेंट है यहाँ पे किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए। एक सजेशन इनके लिए ये होगा, हो सकता है कि जब भी आप टिकट लें उसके साथ साथ एक बेल्ट आप दे दो। जैसे होता है ना कि आपको लाइफ आपको जैसे पॉन्ड वगैरह में जाना होता है तो लोग लाइफ गार्ड वगैरह जो जैकेट होता है वो दे देते हैं, ठीक है, वैसे ही आपको एक बेल्ट भी दे दो साथ में एंट्री के साथ। सो दैट बंदा जहाँ जहाँ जाए उस बेल्ट को यूज़ करे और उसको वेट ना करना पड़े। यहाँ पे बेल्ट के वजह से काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, लोगों पास बेल्ट ही नहीं है। सो सेफ्टी बेल्ट इनके पास होनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड एट द सेम टाइम कि बहुत कम क्वांटिटी में सेफ्टी बेल्ट है, लोग बहुत ज़्यादा आ जाते हैं कभी कभी, सो इतनी सेफ्टी बेल्ट अरेंज नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी इनके पास एक फेयर अमाउंट में सेफ्टी बेल्ट होना ज़रूरी है। सो भाई कह रहा है 5 मिनट में गए, 5 मिनट में ही आपको सेफ्टी बेल्ट्स का अरेंज कर देंगे। सेफ्टी बेल्ट्स नहीं है, सेफ्टी बेल्ट की बहुत कमी पड़ रही है यहाँ पे। सो गाइस, अभी हो गए 1 घंटे ऑलमोस्ट हम लोग वेट कर रहे हैं हार्नेस के लिए। भाई अभी भी हार्नेस इनके पास नहीं है, 4 लोग हैं, 2 लोग और वेट कर रहे हैं। भाई देखो सामने बोला है कि 5 मिनट में लेकर के आ रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए। सो 1 घंटे वेट करना पड़ रहा है सिर्फ हार्नेस के लिए, उसके बाद अभी सारी एक्टिविटीज अभी पेंडिंग है। सो आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा उसमें। सो अभी भाई को मिले हैं 2 हार्नेस, 1 हार्नेस और हम लोग वेट कर रहे हैं। देखो रेडी भाई, एक एक चाहिए और एक। सो गाइस फाइनली हार्नेस मिल गया मुझे। अब देखो अब हम जा रहे हैं, पहले 21 हाई रोप करेंगे, उसके बाद ही हम आगे जाएंगे। मीनवाइल आपको मैं दिखा दूँ कि हॉट एयर बलून भी स्टार्ट हो गया है, तो आज हम लोग हॉट एयर बलून भी कर लेंगे। अभी ये लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, अभी तो मेरे को मिला है, मैं तो जा रहा हूँ करने के लिए, 1.5 घंटा वेट करने के बाद मिला है। भाई अभी देखो हारनेस चाहिए भाई को, क्योंकि भाई ने देख लिया मेरे को बेला, सो उनको हारनेस चाहिए। एनीवेज हम लोग स्टार्ट करते हैं। भाई आगे ले जा, एक्सपीरियंस नहीं है क्या? ये
सो ये फर्स्ट है, उसके बाद आपका सेकंड थर्ड, ऐसे करते करते आपको तीसरे फ्लोर तक जाना है एंड इट विल टेक सम टाइम, आई मीन हाफ एन आवर 45 मिनट्स आपको लग जाएगा रूपक जाते हुए। रूपक उससे तेज निकल जाना है, उसके पीछे चले जाओ एकदम। ये विवेक को बताया जा रहा चलना कैसे है, बताया जा रहा है चलना कैसे है। ओ भाई आई एम सो सॉरी गाइज फॉर द मेसी वीडियो, बट इसी का मजा है। सो तीसरा हमने कर लिया, अभी चौथा भी हो गया, पांचवा हो गया। आ जाओ बस, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा वो, नहीं कूदना पड़ेगा। आओ इतना फवा। सो रुपये अभी मेरा, हम लोग अभी नहीं कर लिए, 1 2 3 4 5 6 हम करने जा रहे हैं, 7th वो है। लेट्स सी ये कैसा है। आई एम श्योर कि आपको वीडियो थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा होगा, ये तो बहुत इजी है। आई एम सॉरी, ये आपका रोप आ रहा बीच में। ओ नाइस, ये तो बहुत इजी यार। दोनों हाथ छोड़ के इसमें क्या है ना कि यहाँ भी ये वाला जो रस्सी है ना, ये फंस जा रही है बार बार, तो मेरे को एक ही हाथ से कर सकता हूँ मैं, बट फिर भी ठीक ठाक है, कर लेंगे। 2-3 इसमें है ना जो काफ़ी टफ है, मतलब एक तो आपको हाइट चैलेंज हो जाएगी, अगर आपकी हाइट कम है तो थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बहुत उसमें वो फंसता है, बाकी तो इजी है। एक दो है जहाँ पे आपको सामने वाले के हेल्प आपको बिल्कुल चाहिए, विदाउट सामने वाले के हेल्प आप नहीं कर सकते। और अभी तक स्केप आइलैंड का किसी ने एडवेंचर करते हुए एक्टिविटी का वीडियो नहीं डाला था, सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो आई एम गोना अपलोड जो कि एक्टिविटी करते हुए होगी। ओ भाई ये तो काफ़ी टफ है, इसके लिए ये है, इसमें क्या है ना ऐसे करने के इधर तो मैं वीडियो बना नहीं सकता, क्योंकि करना भी एक्टिविटी और वीडियो नहीं बना सकता, बट ट्राई करूँगा आपको अपलोड करके दिखाने का, ऐसे करके फिक्स करके। चलो देखते हैं। बाप रे बहुत ही फिसल ये हो जा रहा है, इधर उधर हो रहा है। इसमें क्या, बीच में आपको पैर रखना है और तभी आपको कर सकते हो। तो भाई कैसा लगा तुम्हें वॉल पे चढ़ के? वो टफ है, खासकर मैं बॉडी वेट बहुत ज़्यादा था, इसलिए हमको लग रहा है कि मैंने ठीक से बैलेंस नहीं कर पाया, बट अच्छा है। और तुम इसको बीच में क्यों छोड़ दिए?
एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम गया था उस पर, तो मुझे एक्सपीरियंस था नहीं, तो मैंने क्या किया, जिससे वो रस्सी पकड़ना ना, मैं उसी को पकड़ा था, जैसे पकड़ा ये आगे ये पीछे, अब ये धड़ाम धड़ाम से गिर गया, गिर गया। लेकिन उसका बेनिफिट मैं बाकी दोस्तों को मिला, बाकी दोस्तों ने, तो हम लोगों ने अभी 21 रोप कर लिया, वॉल भी कर लिया, वॉल पे देख मेरा बंदा ऊपर तक चढ़ गया। अब हम जा रहे हैं जिप साइकिलिंग करने के लिए, सो चलो बने रहो और दिखाते हैं आपको जिप साइकिलिंग कैसे करते हैं। बैठ जाओ सर, रेडी है? रेडी, टिकट दे दिया ना सर, रेडी है? हाँ जी रेडी हो गया, पैर ऊपर करो सर। हेलो एवरीवन, तो जिप राइडिंग हम कर रहे हैं, जिप राइडिंग। सो हमने ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटीज़ तो कर ली, सारी एक्टिविटीज़ नहीं, कुछ कुछ एक्टिविटीज़ हमने छोड़ दिया, जैसे स्लिंग शॉट भी है, स्लिंग शॉट मैंने सोचा था ट्राई करूँ, लेकिन अभी नो, हिम्मत नहीं रह गई है। और ये स्लिंग शॉट आपका, वहाँ पे वो गिर गई है, अभी दिखा रहा हूँ। सो देखो ये टॉय ट्रेन, सो आप बच्चों को ला सकते हो यहाँ पे, बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये भी एक्टिविटी एक है, आई डोंट नो क्या है ये, आई थिंक जंपिंग वाला कुछ है, ट्रैम्पोलिन, यस यस यस, सो दिस इज़ ट्रैम्पोलिन, जो बच्चों के लिए आप इसको इनको यूज करा सकते हो। बोटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, बोटिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा ऐसा जगह है। हॉट एयर बैलून मैंने नहीं करा आज, क्योंकि हॉट एयर बैलून के लिए थोड़ा शाम हो गया था एंड मज़ा नहीं आया, सो हॉट एयर बैलून के लिए दोबारा आएंगे एंड दोबारा करेंगे अच्छे से। सो फिलहाल ये थी आज की ट्रिप हमारी, और एक लास्ट ये गो कार्टिंग है हमारे पास, गो कार्टिंग अभी चालू नहीं है लेकिन है, सो ये गो कार्टिंग कर सकते हैं यहाँ पे, आपको दिखा देता हूँ गो कार्टिंग के लिए, नहीं चालू भी था ही बंद कर दिया, सो ये ऐसे गो कार्टिंग कर सकते हैं, पता नहीं गो कार्टिंग बंद क्यों करा इन्होंने, थोड़ा बहुत अभी भी ये काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अभी, कार्ट रेसिंग लेकिन कार्ट रेसिंग आप लोग आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। पानी 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 आई थिंक क्या है, लॉन मोपिंग वाला कुछ है, तो ग्रास कटर, ग्रास कटर नहीं है, नहीं 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 कार्ट रेसिंग है काइंड ऑफ। सो ये सारे अभी स्टार्ट नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर अ शो, ठीक है, क्योंकि इसका टायर पंक्चर हो गया, अभी ले जाएगा ठीक कराने के लिए। सो भाई लोग कैसा लगा आज? बहुत बढ़िया, आपका एडवेंचरस एक्टिविटी सबसे मस्त कौन सा था? हाँ भाई सबसे मस्त कौन सा क्या था? हमको सबसे मस्त वो दीवार वाला लगा,
दीवाल वाला अच्छा हाँ सो भाई ने दीवाल एकदम ऊपर तक चला गया सो रॉक क्लाइंबिंग क्लाइंबिंग में काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं रॉक क्लाइंबिंग में इस बंदा ही हैज़ मेड अ रिकॉर्ड आई विल शो यू द वीडियो आल्सो भाई तुम्हें कैसा क्या लगा अच्छा 21 रोप्स उसको बोलते हैं हाँ तुम्हें क्या अच्छा लगा ये तो ना कुछ नहीं इससे पूछो मोमोज तुम्हें क्या अच्छा लगा भाई मोमोज समोसा पैटीज लास्ट में बोटिंग बच्चे वाला और बर्गर पानी चाय सो जैसा ढांचा वैसा चॉइस और भैया आपको कैसा क्या लगा चिकन मोमोज सबसे अच्छा भैया अभी इनके ये इन्फ्लुएंस हो रहे हैं थोड़ा बहुत हाँ सो टाइम पास करने के लिए काफ़ी अच्छा है अगर आपको जैसे अच्छा अपने दोस्तों के साथ आना है यहाँ पे तब आओ थोड़ा बहुत एंजॉय करो बस संडे छोड़ के थोड़ा दिमाग लगा के टिकट लेना क्योंकि हर एक्टिविटी आप नहीं कर पाओगे सो 600 वाला लो और मस्त अपना थोड़ा बहुत एंजॉय करो और बेटर जैसे ही आप घुसते हो पहला तो आप ये करो हार्नेस ले लो क्योंकि हार्नेस के लिए बहुत मारामारी होती है अंदर जा करके सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज व्लॉग मिलते हैं जल्दी नया व्लॉग के साथ टिल देन अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डू वॉच माई वीडियोज़ सो 2021 में काफ़ी सारी वीडियोज़ आने वाली हैं सो वीक में प्लान है 2 या 3 वीडियोज़ तो एटलीस्ट डाल ही दूँ मैं चाहे कुछ भी हो जाए अब इसके लिए रात में जगना पड़ेगा क्या और उसके साथ से आपको एक और चीज़ बता दूँ भैया का अपना चैनल है जिसमें मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं मिलियंस में सो उसको बारे में भी बताएंगे अभी